हम xi 9.4 के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से आगे कर रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सीधे कर देते हैं इसको। देखो dy वाले वेरिएबल एक साथ लिख लीजिए। तो ये क्या है, देखिए यहां पर क्या आ गया हमारा, इसको ऐसे लिख लीजिए dy अपॉन dx। इसको वहां ले जाएंगे आप, सीधे कर देता हूं मैं, dy अपॉन dx कर देता हूं। यहां पर आ जाएगा आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आ गया उसमें आप। अब इसको क्या कर लीजिए, dy कर लीजिए, dx वहां लिख लीजिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx। अब दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दीजिए, y वेरिएबल एक साथ आ गए और dx के एक साथ आ गए, x वाले वेरिएबल dx के साथ और y के साथ y वाले, कोई है नहीं तो 1, तो 1 इंटू dy का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1 आ जाएगा। इस वाले में देखिए आप इसको t मानेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मानेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का ये आ जाएगा ऊपर वाला टर्म। तो सिंपल सीधे लिख लेते हैं log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट, इसमें क्या कर लीजिए कॉन्स्टेंट c जोड़ लीजिए, तो ये जाएगा log ऑफ c। तो अब देख लीजिए क्या बन जाएगा हमारा, y log a इंटू log b, इसको log लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए c इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये कर लीजिए, इसको भी log हटा लीजिए, तो ये कितना जाएगा e की पावर y, तो e की पावर y बराबर आएगा c इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब अगले इसमें भी क्या करना है, सिंपल सा है, dy के साथ y के वेरिएबल dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, इसको कर लीजिए 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, फिर दोनों इंटीग्रेशन करा, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये है tan इनवर्स y, 1 का इंटीग्रेशन x, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आ गया, बस ये आंसर आ चुका है। अगर और भी सॉल्व करना है तो उसको y लिख लीजिए, इन्वर्स हटा लीजिए, tan के अंदर लिख लीजिए x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। इसमें भी क्या करिए देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, y log y dx इक्वल टू x dy कर लिया, फिर देखिए इसे कर लीजिए dx अपॉन x कर लीजिए, यहाँ यहाँ कर लीजिए dy अपॉन y log y, सिंपल सा है। अब फिर वही चीज़ दोनों इंटीग्रेशन कर लीजिए, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, log y को z मानेंगे तो 1 अपॉन dy, 1 अपॉन y dy की जगह dz, तो dz अपॉन z log z आ जाएगा। तो सिंपल सा क्या करा हमने, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, log ऑफ log y, log ऑफ log y, समझ गए होंगे आप लोग, log y को मैंने z माना था, तो ये क्या आया था देखिए, इसको फिर से यहाँ पर एक बार फिर से कर लेते हैं, आप लोगों का कन्फ्यूज ना करें। तो यहाँ पर log y को z माना जाता, तो ये क्या था हो जाता, देखिए हमने ये निकालना था dy अपॉन y log y को इंटीग्रेशन करना था, log y को z माना था, तो यहाँ पर क्या होता, log y को z मानते तो ये होता 1 अपॉन y dy बराबर dz, तो dy अपॉन y की जगह में आपका dz आ जाता, यहाँ पर dz आ जाता, और log y को क्या माना था, 1 अपॉन y dy की जगह में dz आ गया है, इसको माना था हमने log y को z, तो dz अपॉन z का कितना आ जाता इंटीग्रेशन करके, log z आ जाता, और z की जगह में क्या माना था मैंने log y, तो log ऑफ y, तो इसको ऐसे लिख लिया गया, प्लस कॉन्स्टेंट इसमें c जोड़ लीजिए log ऑफ c, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको और सॉल्व करना है तो उसको इसको लिख लीजिए log log a प्लस log b, log a इंटू b, log c इंटू log y, ये समझिए आप, यहाँ पर इसको क्या कर दिया मैंने, इंटू के फॉर्म में लगा दिया, log a इंटू b, log a प्लस log b, यहाँ पर क्या आ गया था log ऑफ x, और log हट गया तो x बराबर कितना आ गया c log ऑफ y, c log ऑफ y, इसका आंसर आ गया, समझ गए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी क्या करना है देखिए, dy अपॉन y की पावर 5 एक साथ लिख लिया, यहां पर लिख लिया आपका dx अपॉन x की पावर 5 माइनस, अब देखिए इसका आपको मालूम है ये हो जाएगा y की पावर माइनस 5 इंटू dy माइनस x की पावर माइनस 5 इंटू dx, इंटीग्रेशन करिए, y की पावर माइनस 5 पर इंटीग्रेशन, y की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस x की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू x की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका y की पावर माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा x की पावर माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 4 इंटू c, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन y की पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 4 इंटू सी की जगह नया कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं आप e, इसका आंसर ये आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल टू sin इनवर्स x, तो इसमें क्या करना है देखिए, तो dy लिखा, यहां पर क्या हो जाएगा sin इनवर्स x इंटू dx, दोनों इंटीग्रेशन करा,
डी वाई का वाई आ गया। अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, तो देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं इनवर्स फंक्शन में भी, इसको हम क्या करते हैं इसको इंटू वन लिख लेते हैं। तो इसमें पहला फंक्शन हम साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं, तो इसको देखिए इसको क्या हो जाएगा, इसमें इंटू वाला लगा लीजिए, तो इसको लिख लीजिए आप यहाँ पर वाई पहला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद कर लीजिए तो इसमें इंटू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पहले फंक्शन का, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो होल आया उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब करिए इसको सॉल्व कर लीजिए, अब यहाँ पर हो जाएगा वाई इक्वल टू, एक मिनट इतना हो गया, इसका इसका इंटीग्रेशन होने के बाद एक कॉन्स्टेंट इसमें सी बी एड हो जाएगा, अब यह हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा वन का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस डी बाई डिक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन का इंटीग्रेशन एक्स, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब इसको सॉल्व करना है एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया यहाँ पर टी, इसको इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे आप लोग, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी और माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू जाएगा डी टी बाई टू। तो यहाँ पर क्या करते हैं एक्स डी एक्स की जगह पर लिख देता हूँ मैं माइनस डी टी बाई टू, मतलब जाएगा ये प्लस इंटीग्रेशन डी टी बाई टू और वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने माना था टी, तो अंडर रूट टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, और सॉल्व कर लीजिए ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन टू, ये रूट टी ऊपर जाके टी की पावर माइनस वन बाई टू, टी की पावर माइनस वन बाई टू का टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ये वन बाई टू आ जाएगा, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, ये आ जाएगा रूट टी, क्योंकि वन बाई टू आ जाएगा रूट टी, मतलब रूट टी की जगह पर क्या माना था हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये आ गया वाई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी क्या हो गया सॉल्व हो चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कर लीजिए, इसको लिख लीजिए वन माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखिए डी एक्स के साथ एक्स की टर्म, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स, एक्स के साथ एक साथ एक्स के वेरिएबल एक साथ आ गए डी एक्स के साथ ई एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई, समझिए। अब दोनों और क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब सिंपल सा क्या है, अब क्या कर रहे हैं इसके बाद, अब देखिए वन माइनस एक्स को अगर यहाँ पर मैं इसको टी मानता हूँ वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसको टी मानेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए खुद ही सोचिए वन माइनस ई की पावर एक्स को आप टी मानेंगे तो आपका माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इस प्रकार ई की पावर एक्स डी एक्स को मैं इसको लिख लीजिए माइनस डी टी अपॉन टी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन वाई को आप टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी टी आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, इसको लिख लीजिए सीधे, चलो इसको इसको भी मान लीजिए, इसको यहाँ पर कर लेते हैं टेन वाई को आप कर लीजिए जेड मान लीजिए, टेन वाई को जेड मानेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा डी जेड, तो ये बन जाएगा माइनस डी जेड अपॉन जेड, ये हो गया सॉल्व कर लीजिए माइनस डी टी अपॉन टी कितना आ जाएगा लॉग टी, तो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ जेड, और कॉन्स्टेंट भी जोड़ लीजिए प्लस लॉक ऑफ सी, ये कॉन्स्टेंट क्या करें इंटीग्रेशन करने का कॉन्स्टेंट जोड़ दिया, लॉक है तो लॉक के टर्म में जोड़ दिया। अब टी की वैल्यू देख लीजिए, टी की वैल्यू है लॉक टी की वैल्यू है वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस लॉक ऑफ जेड की वैल्यू जो दे रखी है वो लिख रखी है हमने टेन वाई प्लस लॉक ऑफ सी, ये एक साथ आ गए। अब देखिए इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको यहां लिख लीजिए, ये हो जाएगा लॉक टेन वाई माइनस लॉग वन माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सी, इसको लिख लीजिए लॉग ए माइनस बी लॉग ए अपॉन लॉग बी टेन वाई अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स बराबर लॉग ऑफ सी, लॉग हटिया तो ये कितना आ जाएगा टेन वाई इक्वल टू लॉग हटिया तो सी इंटू वन माइनस ई की पावर एक्स, तो इस प्रकार का हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व। हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन बड़ी इजी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ क्या करना है डी वाई के साथ वाई वेरिएबल और डी एक्स के साथ एक्स के वेरिएबल को लेकर दोनों को इंटीग्रेट कर देना।